अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शालू जी, शालू, शालू, थैंक गॉड तुम आ गई। क्या हुआ रोशनी? कॉकरोच, बहुत बड़ा कॉकरोच है, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। वहां था कॉकरोच। यार तुम लोग इतने कॉकरोच के साथ रह कैसे लेते हो इस घर में? शांत जाओ रोशनी, यहाँ कोई कॉकरोच नहीं है। अभी था वहां पे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। शालू एक पल के लिए मैं क्रोकोडाइल के साथ सरवाइव कर सकती हूँ, लेकिन कॉकरोच से बहुत डर लगता है मुझे। ओके काम डाउन काम डाउन, अगर था भी तो वो जा चुका है। एक बात बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्या कर रही थी? हाँ मैं इधर से गुजर रही थी तो देखा कि विशेष सालू सालू चिल्ला रहा था, तो मुझे लगा उसे किसी हेल्प की जरूरत है, तो मैं बस उसकी हेल्प करने आई थी। और उसे ये शर्ट देने ही जा रही थी कि बहुत बड़ा कॉकरोच आ गया, मैं बहुत डर गई और ये सब। शालू आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें ऑकवर्ड फील करा दिया। ऑकवर्ड? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। रोशनी आप हमारी गेस्ट हैं और विशेष जी हमारे हस्बैंड, हमें उन पर पूरा यकीन है। थैंक गॉड तुम दोनों का यकीन हमेशा बना रहे। अब कॉकरोच के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि एक रिसर्च के सिलसिले में मेरी एक मीटिंग थी, मुझे वही जाना था। चलो मैं निकलती हूँ, बाय गाइस। आपकी मेडिसिन ले आए। शर्ट पहन लीजिए। शालू जी, वो हम बाथरूम से नहाकर निकले ही थे, पता नहीं कहां से रोशनी आ गई। और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम विशेष जी को समझते हैं, लेकिन इस रोशनी का बिहेवियर हमारी समझ के बाहर है। मेडिसिन खत्म नहीं हुई थी शालू पांडे, उसे खत्म कर दिया गया था, और अब धीरे धीरे हर वो चीज खत्म कर दी जाएगी जो तुम्हें और विशेष को एक दूसरे के करीब लाती है। और फिर जब सब खत्म हो जाएगा तो बचेगी सिर्फ गलत फहमी। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए शालू पांडे कि दुनिया सिर्फ रोशनी के एक्शन का असर देखती है, रोशनी के एक्शन का सबूत कोई नहीं देख पाता। अब दादी दादी रुकिए, आज मिश्रा जी को हम खाना खिलाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। शाबाश, अच्छी बात। हमारी वजह से तुम सबको काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है, हम कितने मजबूर हो गए हैं कि अपने हाथों से भी खाना नहीं खा सकते। मिश्रा जी आप काहे ऐसी बातें सोचते हैं? घर परिवार होता ही इसलिए कि परेशानी के वक्त एक दूसरे की मदद कर सके।
इस परिवार को हमने कभी अपना नहीं माना। वही परिवार हमें इतना अपनापन दे रहा है। हम तुम लोगों के एहसान के नीचे दबते चले जा रहे हैं। मिश्रा जी, इसमें एहसान की कोई बात ही नहीं है। अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसका ख्याल करना परिवार का फर्ज होता है, एहसान नहीं। और अगर आप मदद को एहसान का नाम दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो आपके हम सब पर बहुत सारे एहसान हैं। अब देखिए ना, पुष्टि सेंटर की जगह दिलाने में आपने हमारी मदद की, आज इस छत के नीचे सर छुपाने की जगह भी तो आपकी वजह से ही मिली है हमें। मिश्रा जी, आपने हमें हिम्मत दी, नए बिजनेस का आइडिया भी दिया, फिर ये सब कुछ भी तो एहसान ही हुआ ना। अगर अब आप कहेंगे कि ये एहसान नहीं है तो फिर हमारे भी आप पर कोई एहसान नहीं हुए। दरअसल क्या है ना, जब भी आप इस एहसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम सबको बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ रहते तो हैं लेकिन आप हमारे साथ यहाँ हैं नहीं। वैसे भी हम सब तो बस वही कर रहे हैं जो हमें हमारी माँ ने सिखाया है। जब एक मकान में लोग रहते हैं साथ में, एक दूसरे के आंसू, एक दूसरे की मुस्कान का ध्यान रखते हैं, तभी वो मकान घर बनता है। और ऐसे में अगर आप एहसान जैसे शब्द का इस्तेमाल करें तो सारा अपनापन। तो सारा अपनापन खत्म हो जाता है। बुलबुल की बातें भले ही इतनी मीठी ना लगे लेकिन हमको लगता है अब वो भी मिश्रा जी को अपनाने लगी है। वाह बुलबुल दीदी, आपने तो बिल्कुल शालू दीदी की तरह बात की है। बुलबुल तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम ये शब्द आज के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी कहेंगे अपना हक समझ कर कहेंगे। अरे भाई चलो, तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो। वो जो रंजू और डॉटर्स के जो कागजात बनवाने के लिए मैंने कहा था वो थोड़ा जल्दी बनवा लेते हैं ताकि हम काम फटाफट शुरू कर सकते हैं। देखना गुडुआ, अब हर काम फटाफट होगा। कल जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होगी। अरे तुम्हारे बाऊजी तो जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते थे। हाँ तो दादी, हम भी जन्माष्टमी एकदम धूमधाम से ही मनाएंगे। अरे बुलबुलिया, तुझे पता है तेरे दादाजी ने ना पहली बार तेरी माँ को जन्माष्टमी वाले दिन ही मंदिर में देखा था और आते ही हमको कहा कि हमने मंदिर में एक बहुत ही सुशील सी प्यारी सी कन्या देखी है अपने गुडुआ के लिए। अच्छा चलो सब फटाफट खाना खा लो, बहुत सारा काम है। कल सुबह उठते ही जन्माष्टमी की पूजा शुरू हो जाएगी। I am sorry शालू जी, वो जब आप कमरे में आई रोशनी हमारे गले लगी हुई थी, सब कुछ अचानक से हो गया, हमें रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, फिर आप कमरे में आ गई और It's okay, कोई बात नहीं विशेष जी, उठिए आप, कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है शालू जी तो हमें ऐसा क्यों लग रहा कि हमसे कुछ गलती हो गई? विशेष जी, इंसान ना गलतियां करने से गलत नहीं होता है बल्कि अपनी नियत से गलत होता है, और हमें आपकी नियत पता है विशेष, और हमें आपकी नियत पर पूरा भरोसा है।
शालू जी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस बस ऐसे। हमारा मतलब है विशेष जी, आपको रोशनी कुछ अजीब सी नहीं लगती है? मतलब कि इतने खुले ख्यालों की है और दूसरी ओर कॉकरोच से डरती है, कुछ भी कहती है, कुछ भी बोलती है, एक बार ये भी नहीं सोचती कि सामने वाले पे क्या असर होगा। पता नहीं सारी लड़कियां ऐसी होती है या फिर ये कोई स्पेशल केस है। शालू जी, हर इंसान का अपना नेचर होता है, जरा रहने दीजिए, आप क्यों उसके बारे में सोच रही है? कुछ दिनों की मेहमान है, वो चली जाएगी। हाँ, लेकिन आज जब वो कमरे में आई थी ना शानू जी, जब वो आज कमरे में आई ना तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे। मतलब हम उसे कैसे रोके हमें समझ में नहीं आ रहा था, और फिर आप कमरे में आ गए और आपने वो सब देख लिया। आई डोंट नो अभी क्या सोच रही होंगी। कुछ नहीं सोचा हमने, अब आप भी सोचना बंद कीजिए विशेष। बस एक बात हमेशा याद रखिए, हम दोनों ने प्यार और भरोसे के धागे से इस रिश्ते को बुना, इसे कोई भी खोल नहीं सकता। थैंक यू शालू जी, थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। शालू पांडे, तुम्हें शायद पता नहीं, प्यार का धागा हमेशा कच्चा होता है। शक का एक कीड़ा तुम्हारे रिश्ते की बुनाई को खोल के रख देगा, और तुम्हारे रिश्ते के बीच में वो कीड़ा मैं डालूंगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।